सब में पहले जो यहाँ पर जितने स्लम एरिया, मैं खुद स्लम एरिया में रहता हूँ, जो पब्लिक शौचालय जो होता है, जो पब्लिक यूज़ करती है, उसके इतने यहाँ पे इतना बुरा हाल है। आप देखोगे यहाँ पर फुटवाड़ी वगैरह जितना क्षेत्र है 97 का, इसमें कारखाने बहुत हो, तो पब्लिक का लोड होता जा रहा है। और 15 साल से यहाँ पे कोई नया शौचालय नहीं बना, जो है बस उनकी रिपेयरिंग होती है नाम के लिए, और वो भी थोड़े दिन में ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसके टाइम पर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इतनी ज़्यादा है तो साफ़ सफाई कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि कुछ गवर्नमेंट की जगह है जो BMC कि कोई जगह वो ऐसा करे कि जो फुटपाथ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ कुछ नए जो पे शौचालय होते हैं वो बनाए, ताकि जो रहीवासी है उनको थोड़ा राहत हो, और जो बाहर की जो पब्लिक है जो कारखाने में काम करते कमर्शियल जैसे हो गया, वो उस तरफ के शौचालय में जाके वो यूज़ कर सके। आपके एरिया में क्या क्या समस्या है? हमारे एरिया में सबसे पहले तो पीने के पानी की समस्या है, पानी टाइम पर नहीं आता है, आता है तो लाइन पुरानी है, कोई नई लाइन आई, गंदा पानी आता है लाल कलर का, पता नहीं कैसा कैसा आता है, वो रुक के आधा घंटा तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि साफ पानी आए, उसके बाद में वो पानी आता है और जितना टाइम है उससे पहले ही चले जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि मिलन सभी पे एक नया ब्रिज बना हुआ है, रोड के दोनों तरफ कोई फुटपाथ नहीं है, BMC की स्कूल है, साढ़े गुरु जी स्कूल है, यहाँ BMC की स्कूल है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सुबह स्कूल जाने के टाइम और शाम को आने के टाइम दोपहर के वक्त जब भी ट्रैफिक इतना रहता है उनको चलने जगह नहीं है, सीनियर सिटीजन है वो, उनको चलने जगह नहीं है, तो गाड़ियों की समस्या की वजह से कभी कभार एक्सीडेंट भी हो जाता है बच्चों का, कभी कभार सीनियर सिटीजन को भी गाड़ी ठोक देती है, हालांकि वो गाड़ी वालों की गलती नहीं है, जब रोड पर फुटपाथ ही नहीं है तो वो तो चलेंगे उधर पर, तो गवर्नमेंट को सबसे पहले उधर फुटपाथ पे ध्यान देना चाहिए। और जो रोड है उसके भी सब बुरे हाल हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे रिडेवलप काफ़ी हुआ है SRA की बिल्डिंग, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एकदम रूल के खिलाफ हुआ है, जितनी बिल्डिंग है उनका हाल देखो आप कि क्या, कौन से इंजीनियर थे पता नहीं, क्या उन्होंने टेस्टिंग की, लाइन शायद बराबर नहीं है, हर जगह चौकों पर रहता है, ग्राउंड फ्लोर वाले तो ऐसा लगता है कि आप देखो उन्होंने अपनी जो दो बिल्डिंग के बीच में जो पैसेज होती है वो विंडो बंद करके रखे हुए, ऐसा लगता है दोजख में जी रहे, बीमारी अलग है उनको, कचरा कोई साफ़ सफाई नहीं करता, कोई क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और जो गार्डन स्पेस है, एक ही गार्डन था इधर पर हमारे वार्ड में जो धर्मवीर बालाजी नाम से, तो उसमें एक तरफ दो सेक्शन थे, एक प्लेइंग ग्राउंड था और एक जो सीनियर सिटीजन जो बच्चे जो खेलते हुए अलग था, वो प्लेइंग ग्राउंड में भी आधा स्ट्रक्चर बना के उसको भी कम कर दिया, जबकि ग्राउंड की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लास्ट 5 साल में जितनी वोटिंग थी उससे ज़्यादा अभी बढ़ गई है, मेरे हिसाब से 30% बढ़ गई है वोटिंग थी, तो यहाँ पर तो और जगह चाहिए, प्लेइंग ग्राउंड और ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप जीतते हो, अगर आप नगर सेवक बनते हो, तो आपकी प्राथमिक तरफ क्या होगी, क्या काम आप पहले करना चाहोगे एरिया में? वैसे तो हर काम ज़रूरी है, लेकिन जो सब में पहले जो दो चीज़ होती है, एक इंसान को पानी की ज़रूरत होती है और एक शौचालय की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद में फुटपाथ है, फिर उसके बाद में गार्डन है, और जो साफ़ सफाई है रोडों का, जो क्लीनिंग का, ये सब पहले, जैसी जब पब्लिक की समस्या रहती रहेगी, अभी मेरे आइडिया में खाली इतना ही है। जैसे जैसे पब्लिक आते जाएगी वो मुझे बताते जाएगी कि ये समस्या, तो मैं उस पर गौर करूँगा और उसके लिए पेपर वर्क जो भी है वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लूँगा। फिर आखिर मैं यहाँ के जो भी रहवासी है जो आपको वोट मिल जाएंगे, उनसे क्या सूचना, क्या संदेश आप प्रदान करना चाहोगे, एक वोट अपील? उनसे मेरी एक विनती है कि मैं देखो कोई मुझे कोई बिल्डर लॉबी ने खड़े नहीं किया पैसा फाइनेंस करके, मैं जो मेरी जमा पूंजी थी मैं वो पैसा लग, क्योंकि इलेक्शन में पैसा लगता है, अगर कोई बोलता बिना पैसे के इलेक्शन लड़ सकते तो कुछ नहीं है, वो झूठ है वो, कि मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ, जो भी मेरी जमा पूंजी थी मैं वो लगा के इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ और जो जितने हम जो गरीब लोग हैं जो स्लम में रहते हैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि सुबह में सब में पहले जो शौचालय जाते हैं बाकी जो गंदगी होती है लाइन होती है टाइम होता है वो सब मुझे मालूम है, कितनी तकलीफ़ होती है पीने के पानी की तकलीफ, जब हम नहाने के लिए जाते हैं जो हमारी ड्रेनेज लाइन होती है हमेशा ब्लॉक रहती है, उसमें जब 4 दिन में पानी भर जाता है, किसी को बुला के पैसा देना पड़ता है कि लाइन क्लियर करके दे, 4 दिन में फिर भर जाता है, हम जब नहाने जाते हैं तो इतना इतना पानी पैर में रहता है, तो लाइन मैं क्लियर करवाऊंगा जो भी समस्या है जो, और मैं विनती करूंगा कि मुझे जो वोट देना चाहेंगे वो ऐसा सोचिए कि वो खुद को वोट देंगे और जो उनका काम रहेगा वो मेरा काम है, मेरा लक्ष्य उनका काम है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। ओके, जय हिंद भाई, आगे बढ़ो, जीतेगा भाई, जीतेगा भाई।